कहे कबीर से पार उतर गए हर हर नाम जपेंगे। संसार से पार उतरना चाहते हो तो हरि हरि का नाम का सुमरण करने से, अब सुमरण करने के लिए ही तो बात कही, सच्चा सुमरण कभी करते नहीं हो, झूठा सुमरण करते हो, सुमरण करते हो संसार के पदार्थों का। सच्ची बात कोई सुनता नहीं है, सच्ची कहोगे तो ऐसी गोली की तरह लगती है, मांगने खाने की जिसकी आदत बन जाती है वो भिखारी होते हैं दर दर के, कपड़े धार के नाम साधु का धराते हैं, भीख मांगते फिरते पेट तक भरता नहीं, उनको सत्संग के वचन थोड़े अच्छे लगेंगे, वो टिक नहीं सकते, और इसीलिए वो और दुनिया में कर्जदार बन के जाते हैं। लेकिन संतों का जो सत्संगी होगा वो उनको कोई टेक धारने की नहीं कहते, टेक मानने की नहीं कहते, अगर टेक बांधो तो एक ही बांधो, टेक बांधो तो सतगुरु की बांधो, लेकिन सतगुरु वो जो खुद निर्लेप हो, जिसने शब्द की कमाई की हो, जो शब्द का भेद जानता हो, जो आपको भी उस मार्ग पर चला दे और उस घर का भेद दे दे, नहीं तो पूरा सतगुरु जब तक नहीं मिलेगा संसार से लेखा नहीं निमट सकता। परंतु ये जरूरी चीज है, आवश्यकता है कि मैंने कहा दया है, दान है, इंसान के पास है, दान कर देना चाहिए। दानियों की कथा आज तक गाई जाती है हमारे यहां, दानीकरण का नाम देखो, आज तक नाम लिया था हरिश्चंद्र का देखो, जिसने सब कुछ त्याग दिया, हमारे देश की यह सभ्यता रही, अतिथि देवो भव कहा गया यहां कि अतिथि हमारे लिए देव है, पूजनीय है, हम भूखे रह के भी देव की, आने वाले की, आगंतुक की, हमारे घर में जो आता है उसकी सेवा करते हैं प्यार से, उसको अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं। जो आपके पास है, आपकी जरूरत से ज्यादा है, उसको दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, अच्छे कर्म में लगाओ, जरूरतमंद को दो, नहीं तो वो चीज यहां की यहां रह जाएगी, नहीं तो पानी बाढ़ नाव में घर में बाढ़ दाम दोनों हाथ उड़ीची, यही सेना काम, तुम्हारी जरूरत से जो फालतू है उसको दान पुण्य में लगाओ। लेकिन दान पुण्य का भी महत्व समझो, दान पुण्य किसको, जरूरतमंद को दो, कुपात्र को नहीं। ये दो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो आदमी भक्ति नहीं कर सकता उसको क्या करना चाहिए, सबसे उत्तम कर्म क्या है उसके बाद में, बोला कि उसके बाद में जो दूसरा उत्तम कर्म यही है कि इंसान दान करे। लेकिन दान भी कौन सा दान करे, वो दान उत्तम है जो सुपात्र को करे, कुपात्र को नहीं। अगर किसी कुपात्र को दान कर दिया गया तो उस दान से जो भी अनर्थ होगा, पाप कर्म होगा या बुरे काम में लगेगा, उसके भागीदार आप ही होंगे, क्योंकि आपसे दान किए हुए कर्म का प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा, उसको नहीं। इसलिए दान भी पात्र को, कुपात्र को नहीं। फिर दान कौन सा उत्तम है, दान वही उत्तम है जिससे दानी ने दुख नहीं माना है, और दानी जिस दान से दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना है। और दान भी कैसा कि अगर तुम मांग के लेते हो दान नहीं है, अपने आप आता है, उसमें अमृत जैसा गुण होगा, मांग जो लेगा उसमें पानी जैसा भी गुण नहीं रहेगा, और खेचा तानी तो यूं समझो कि जैसे उसको हलाल करके उससे लिया गया है, मांग लिया सो दूध समान, जिसमें दूध जितना गुण हो, जो अपने आप आता है, जो अपनी मर्जी से देता है उसमें दूध जैसा गुण हो, और जो मांग के लिया जाएगा उसमें पानी जितना भी गुण नहीं रहेगा, और खेचा तानी करके लिया जाएगा यूं समझो कि तो पाप इकट्ठा कर लिया। लेकिन दान उत्तम वही है जिससे दानी दुख नहीं मानता। लेकिन दानी अगर दान करके दुख मानता है कि मेरे से गलत हो गया, तो समझो कि दान नहीं, वो तो उसके ऊपर जुर्माना ठोक दिया गया। इसलिए दया के बाद में दान का दूसरा नंबर आता है, तीसरी चीज है उपकार, दूसरे की भलाई के लिए अपनी परवाह ना करो, क्योंकि ये इस संसार का नियम है कि जैसा कर्म करोगे उसका प्रतिफल, उसका वैसा ही कर्म आपको भी मिलेगा, फल मिलेगा उसको। बुरा करने वाले को बुरा भोगने को मिलेगा, अच्छा कर्म करने वाले को अच्छा करने के अच्छा फल मिलेगा। इसलिए शिकायत का मौका ही नहीं है, हम करते खुद हैं, कर्म का भार खुद चढ़ाते हैं, दोष परमात्मा को, अपने कर्म को और भाग्य को देते फिरते हैं, फिर कहते हैं कि मेरे कर्म में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था। अरे भले पुसो, आप काम खुद करते हो, दोष किसी और को देते हो, अरे वो तो किसी को बुरा भला करता नहीं, उसने तो जो नियम बना दिए उस नियम को कभी पलटता नहीं है। तुलसी तीन लोक का नायक दूसर चले न चाल, वो दूसरी चाल ही नहीं चलता,
जो जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म को भोगने के लिए उस संसार में आके अपने कर्म को भोग लेता है, क्योंकि इंसान की प्रारब्ध पहले बनती है और शरीर बाद में बनता है। लेकिन जो भी किया है उससे उसका इलाज है। जब रोग है संसार में तो उसका इलाज भी है। इलाज क्या है? दवा है उसकी, दारू है। और सब रोगों की दवाई एक ही है, नाम। उससे तीनों रोग मिटते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीन ताप से जीव दुखी है। संसार में सुखी कौन है? सगड़ी सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया, लाख करोड़ी बंधन पड़े और हरि का नाम जपत निश्चरे। संसार में लाख करोड़ी बंधनों में पड़े हुए हैं जी। सारी दुनिया दुखी है। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको सुखी कहते हो, वो सब के सब दुखी है। सुखी है नहीं कोई भी। जिसको देखोगे वही दुखी मिलेगा। कोई मन का दुखी है, कोई तन का दुखी है, कोई आत्मा से दुखी है। किसी न किसी एक एक दुख सबको है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्माओं को भी दुख लगे हुए हैं। उनको भी किसी को चेले का दुख है, किसी को किसी चीज का दुख है। वो भी मांगते फिरते हैं, टिकते नहीं है। उनकी भी तृष्णा नहीं भरती है, उनकी भी लालसाएं लगी रहती हैं कि ये बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। अरे क्या काम आएंगी? दूसरों को उपदेश करते हैं, क्या हम नहीं लगे हुए इस काम में? हम भी लगे हुए हैं। मान बढ़ाई के लिए हम भी डूबे हुए हैं। हम भी सोचते हैं ये आश्रम बना दें, वो बना दें, लेकिन एक चीज से बचे हुए हैं। हमारा स्वार्थ नहीं जुड़ा उसमें। हमारा अगर स्वार्थ जुड़ा होता तो हम उनके लिए लठ लेके उन्हीं में बैठे रहते। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। जो इंसान करता जाता है भूलता जाता है। संसार में कर्म करो। कृष्ण जी का यही तो उपदेश अर्जुन जी को था। गीता में जो उपदेश दिया सबका सब एक ही बात में खत्म कर दिया कि कर्म करता चल। कर्म करना इंसान का फर्ज है, लेकिन उस कर्म को करके ऐ कर्म हो जाओ, उसकी वासनाओं में ना बंधो, उससे कभी अपेक्षा ना करो। जो इंसान अपेक्षा कर लेता है उसको दुख उठाना पड़ता है। किसी का अच्छा करके तुम अपेक्षा करते हो कि उसके बदले में वो तुम्हारा अच्छा करेगा, भूल होगी इंसान की। हमने ऐसा जिंदगी में अनुभव करके देखा, जिन लोगों को अच्छा किया अगर हम उनसे अपेक्षा करते नहीं मिलता तो दिल में दर्द होता है। इसलिए कभी भी जिसका कर दिया उसको भूल जाओ कि कर दिया, ठीक है। उसका जो कर्जा था अगर वो मांगता था तो हमने उसको दे दिया, अगर नहीं मांगता था तो क्या था कि हमारे से ले लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन मन को मत फंसाओ कभी भी। नेक कर्म करते चलो, सच्चे बन के रहो, क्योंकि जब तक तुम सच्चे नहीं हो, सच्चा आखे सच आखना सबसे अधिक पदार्थ जी, सच जेहा कोई जब तप नहीं, सच जेहा परमार्थ जी, सच जवानों सो ही आखे, और जिसको ज्ञान यथार्थ जी। जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है सच की व्याख्या, सच का बखान और सच को अपनाना, सच पर चलना, वही कर सकता है। सच में रहते हुए संसार में दिखाई देते हैं वो, कर्म के करते हुए अकर्म है वो, उनको कोई वासना छूती नहीं है, लेकिन संसार की नजरों में फिर भी वो क्या है कि बंधन का कारण बनता है। बंधन के कारण से मुक्त होते चले जाओगे, वो बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे, उनके कभी गुलाम नहीं रहोगे। संसार से छुटकारा पाना आसान नहीं है। जहां जहां जाओगे आदमी बेड़ियों से बंधा हुआ है। कहीं प्यार की बेड़ी है, कहीं मोह की बेड़ी है, कहीं लोभ की बेड़ी है, परिवार की बेड़ी है, समाज के नियमों की बेड़ी है, संसार के बंधन है। इसीलिए कहिए कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति से मोटे बंधन कटेंगे, और चित्त के जो महीन बंधन है, छोटे बंधन है, वो किससे कटेंगे? वो नाम के प्रताप से कटेंगे। मान संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु भक्ति करो, उसमें कोई शर्म लज्जा ना रखो। सेवा करने का तरीका आना चाहिए। गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में। गुरु को सेवा करके गुरु को खुश कर लिया तो समझो सारी भक्ति को हमने प्राप्त कर लिया है। भक्ति है क्या चीज? मन को सिधाना ही तो भक्ति है, मन को जीतना ही भक्ति है। मन को ना आज तक कोई मार सका है, ना मन को कोई मार सकेगा।
मन मरता नहीं है, कभी भी नहीं मरता। जहां जाओगे मन जिंदा है, और मन जिसका मुर्दा हो गया वो कर भी क्या लेगा। जिस इंसान का मन मर गया कहेगा मेरा मन मर गया, जिसका मन मर गया कुछ करने लायक नहीं रहेगा। मन से काम लो, मन में ताकत है। मन की इच्छाओं को दृढ़ करके मन को उस लाइन के ऊपर चलाओ। लाइन के ऊपर चलाओगे ये मन तुम्हारे हित का, तुम्हारे फायदे का और तुम्हारे कल्याणकारी काम करेगा, क्योंकि मन बड़ा ताकतवर है। अब इस मन को रोक के देख, मन को काबू कर, और मन को इंद्रियों के द्वार से हटा, रूह के द्वार पर लगा इसको। इसको रोक इंद्रियों के स्वाद से, और जब उस रस को भुला देगा, उस नाम का रस एक बार जब इसको आ जाएगा ना, इसने तो पान किया ही नहीं। नाम के रस का पान मन ने नहीं किया है। मन को तो तुम इंद्रिय सुख पिलाते रहे हो, छूट दिए बेचारे को, उन छूटों में ये बिगड़ता चला रहा। अरे जो माँ बाप है, अपने लड़के को मनचाहा खर्चा देता है, पूरी आजादी देता है, कहीं घूम फिर कुछ भी कर, गलत करके आता है पकड़ा जाता है, तुम पुलिस से छुटवा लेते हो। कोई दूसरा उसको बुरा भला कहता है तुम उससे झगड़ा लड़ाई मांड लेते हो। कोई दूसरा उसके सुधार की बात करता है, तुम अपने लड़के को नहीं उसको गलत बोलते हो, तो लड़के को सुधारते नहीं बिगाड़ते हो। मन तुम्हारा लड़का है, उसको बिगाड़ दिया तुमने, सारी आजादी दी, सारी छूट दी, इंद्रियों का स्वाद उसको खूब दिया, हर प्रकार से दिया, लेकिन अब चाहते हो कि वो भक्ति कर ले। कैसे कर ले बेचारा, उसको नाम का पान करवाओ। नाम का रस जब उसको आ जाएगा, उसको आनंद आ जाएगा, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रस जब आ गया तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राज को ठोकर मार दी। कही है कि इस रस कारण बड़े नर योगी अत्यागे भोग विलासा। भोग विलास उनने क्यों त्याग दिए, कि भोगों में वो आनंद नहीं था, वो सुख नहीं था, वो शांति नहीं थी। इंसान को तड़प है तो सुख की है, शांति की है। जिसको सुख शांति नहीं हो भटकता फिरता है। संसार के सारे पदार्थ क्यों ना हो, और आदमी को अगर शांति नहीं है तो सारे पदार्थ उसके लिए बेकार हैं। इसलिए इनकी जरूरत कब पड़ेगी। और जो जिंदे जी इनको त्याग देगा और नाम के रस को ले लेगा। क्यों कही नानक साहब ने जब कही कि नानक पहला शराब कर उतर जाए पर बात नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कह रहे शराब का प्याला तो घंटे दो घंटे में उतर जाएगा, दो चार दिन में उतर जाएगा, फिर पीने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नाम अमल क्यों नहीं पीता। कि नाम अमल एक बार अगर चढ़ जाएगा तो पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा। मीराबाई को एक बार चढ़ा था नाम का, ये दुनिया के उसको जहर पिलाते रहे उन्होंने भी असर नहीं किया। सांप लड़ते रहे उन्होंने असर नहीं किया। राणा गाड़ियां देता रहा उसको असर नहीं किया। संसार की लोक लाज के उनको कहते रहे उसको पता ही नहीं लगा कौन क्या कहता है। बोले कि मेरे तो गिरधर गोपाल। नाम का रस का पान तो